हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म की। यूजर फॉर्म को हम आम बोलचाल भाषा में ये भी कह सकते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कि अगर आपको एक्सेल के अंदर में किसी तरह का पॉपअप या डायलॉग बॉक्स बनाना हो, जैसे कि आमतौर पे हमारे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे कमांड भी होते हैं, जैसे कि हमने पिवट टेबल में जो इस तरह का जो पॉपअप देखा, इस तरह के पॉपअप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग यूजर फॉर्म के जरिए बनाते हैं। तो चलिए हम उसी चीज के बारे में जाते हैं। डेवलपर में जाना है, आपको जाना है विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट। जैसे हम मॉड्यूल इंसर्ट करते थे, ऐसे हमारे पास यूजर फॉर्म है। यूजर फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूजर फॉर्म दिखता है, ये रहा आपके पास। मतलब कि बाहर जब ये रन होगा तो यूजर फॉर्म आपका रन होगा तो इस तरह का पॉपअप दिखेगा। अब यूजर फॉर्म को हम VV6 के जरिए भी देख सकते हैं, या फिर MS Access के अंदर जो फॉर्म होते हैं वो भी यूजर फॉर्म के सिमिलर होते हैं। अब इसमें जो होता है मेनली आपको डिजाइन करना होता है। तो आज हम यूजर फॉर्म की डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यूजर फॉर्म की हम साइज की लेते हैं। तो यूजर फॉर्म पे आप जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए तीन तो आपके ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं, तीन चार ब्लैक बॉक्सेस को पकड़ आप ड्रैग नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास व्हाइट बॉक्सेस है उसमें जैसे कर्सर जाते ही आपका एरो का निशान आ जाता है। अब उस एरो के निशान को लेके आप ड्रैग करके हायर मतलब कि बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपको साइज चाहिए उस तरह के साइज को आप यहां से ले सकते हैं। तो साइज आप यहां से इंक्रीज एंड डिक्रीज आसानी से कर सकते हैं, जो साइज चाहिए आपको, हाइट वेट। अगर सिर्फ हाइट चाहते हो तो ये तो हाइट और विड्थ आप दोनों बढ़ता है, और सिर्फ आपको हाइट चाहिए होगा तो ये आप यहाँ सिर्फ हाइट बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ विड्थ चाहिए तो सिर्फ विड्थ बना सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी पॉसिबिलिटी है उस तरह का। अब बात करते हैं, जैसे यूजर फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं आपके पास दो चीज होना जरूरी है, पहला चीज टूल बॉक्स और दूसरा प्रॉपर्टी बार। मतलब कि जो चीज आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी दिखता है। तो चलिए हम यूजर फॉर्म की प्रॉपर्टी को ही पहले आज देखते हैं। यूजर फॉर्म में सबसे पहले जो यहाँ टाइटल यूजर फॉर्म वन आता है, इस यूजर फॉर्म वन के जगह पे आप कुछ और देना चाहते हैं। मतलब जैसे आप एक्सेल के किसी फीचर को यूज करते हैं तो उसका टाइटल कुछ और होता है, जैसे मैक्रो के देखिए यहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ है, या फिर आप पिवट टेबल में देखते थे क्रिएट पिवट टेबल लिखा हुआ है। ऐसे आप कोई भी फीचर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो आपका बॉक्स आता है, बॉक्स के ऊपर वो अपना, यहाँ देखिए अपना एक टाइटल होता है। ये टाइटल अगर आप यूजर फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ यूजर फॉर्म को क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपके सामने कैप्शन दिखता है, इस कैप्शन पे जाएं और कैप्शन पे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया डेटा एंट्री, राइट। अब देखिए डेटा एंट्री हो गया, तो डेटा एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर्म में से इसकी जो बैक कलर है वो बैक कलर को चेंज करना चाहते हो, एक तो होता है सिस्टम, दूसरा होता है पैटर्न। पैटर्न में आपके पास कलर चूज होता है, कलर चूज कर सकते हैं। तो उसका आपके इसका आपके इसका बैकग्राउंड अपने हिसाब से हो जाएगा। बॉर्डर कलर जो इसकी जो बॉर्डर है उसका कलर चूज करना है, बॉर्डर के स्टाइल यूज करना है, ये आपका कैप्शन हो गया, ये सर्कल हो गया, इस तरह के इसके पास बहुत सारी चीजें। इसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह डालना चाहते हैं, इसके ऊपर माउस का जो कर्सर है माउस वो किस तरह का होना चाहिए, अगर आपके पास कोई माउस आइकन है तो आप आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं।
माउस का पॉइंटर कैसा होना चाहिए, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, जो आपको चाहिए वो चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये तो आपका इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी के बाद जब टूल बॉक्स की बात करें, इसमें आपको इसको डिजाइन करना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा फॉर्म हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि आज हम फॉर्म की डिजाइनिंग पार्ट को ही देख रहे हैं, तो हम उसकी पूरी बारीकी को समझते हैं, ताकि हम प्रोग्राम करने के लिए एक अच्छा सा फॉर्म बना सके। जैसे कि मान लीजिए मुझे लॉगिंग फॉर्म बनाना है, चाहे कोई एक फॉर्म ही लॉगिंग, मैं कल बात करूंगा, नॉर्मल फॉर्म बनाना है। मान लीजिए जैसे ये आपके पास कैप्शन है, मतलब एक लेवल है, मतलब कि कुछ अच्छी लिखना चाहते हो इस पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लेवल को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा और लिखूंगा। जितना बड़ा ड्रैग करोगे, जितना जितना एरिया में आपको लिखना है, जितना जिस तरह का लिखना है उस तरह का आप यूज करो। जैसे मुझे टाइटल लिखना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिया हूँ यहाँ पे, तो डेली सेल्स डेटा एंट्री, लेकिन ये तो छोटा है, बड़ा तो है नहीं। तो इसी में आप जब इसको सिलेक्ट किए हो, तो यहाँ पे आपको देखिए प्रॉपर्टी में लेवल वन की प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वो लेवल वन की प्रॉपर्टी पे, लेवल वन हमारा चेंज होगा। तो इसी में हम यहीं पे फॉन्ट आता है, फॉन्ट पे हम क्लिक करते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसकी साइज बोल्ड करते हैं। हेलो और हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह सर आज क्वालिटी थोड़ी सी 3GB में क्यों आ रही है, प्रिंट अच्छा क्यों नहीं आ रहा डिस्प्ले का? नहीं, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो नॉर्मली ले रहा हूँ जिस सब की तरह। पता नहीं मेरे यहाँ दिक्कत है, आप सर औरों से पूछ रहे हो। सुखदेव जी, फरहान जी, कैसी स्क्रीन ठीक आ रही है आपको? जी सर ठीक आ रही है। तो आपके एंड से प्रॉब्लम मतलब जो क्लियरिटी क्लियर अच्छा नहीं आ रहे, जैसे HD में आते ना, उसमें 3GB ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है सर, आपके नेट और आपके नेट नेट की प्रॉब्लम होगी सर आपकी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से तो फॉन्ट चूज कर सकते हो आप। फॉन्ट चूज करने के बाद यहाँ से आप रेगुलर, बोल्ड, अविक और बोल्ड अविक जो भी आप ले सकते हो, और यहाँ इसके साइज होते हैं। तो मैंने साइज 14 कर दिए और ओके करता हूँ, तो साइज मेरा बड़ा हो गया। अब प्रॉब्लम है कि ये एरिया दिख रहा है आपको, एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इवेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक किया, तो जितना मेरा मेरा फॉन्ट था, डेटा था, लेवल का, लेटर का है, उतने बड़ा में मेरा ग्राफ चला गया, तो इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गया। अब मान लीजिए मुझे कुछ एंट्री एक्सेप्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिए। अब जब टेक्स्ट बॉक्स लिए है, तो टेक्स्ट बॉक्स का हेडिंग भी होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स के हेडिंग के लिए मैं यहाँ से लेवल अगेन लूंगा, क्योंकि मुझे कुछ लिखने के लिए लेवल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम लिखते हैं ID और फिर वापस इसको डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, एक्सबॉक्स लिया और फिर यहाँ पे मैं लेवल लिया, और लेवल में हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, नेम। जी कॉल आ गया था। यहाँ पे मैं नेम डबल क्लिक किया, हट गया। हाँ, फिर मैं यहाँ पे
वापस जो है इसको सिलेक्ट किया सिटी। तो यहाँ तक चेकबॉक्स लेते हैं ड्रॉप डाउन। अब बात करते हैं हम कॉम्बो बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स कब यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास 5-6 ऑप्शंस है तो आप यहाँ से कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं ताकि वो ड्रॉप डाउन हो। आप चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ही ले, 5-6 ऑप्शंस है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग ही ले, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट बॉक्स को। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा है तो उस केस में हम लिस्ट बॉक्स को लेते हैं, कॉमो बॉक्स को नहीं लेते। कॉमो बॉक्स यूज कब करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। इसलिए लिस्ट बॉक्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि कॉमो बॉक्स में बहुत ज्यादा रख दूंगा तो फिर वो खोजने में उनको दिक्कत होगा, यूजर को खोजने में दिक्कत होगा, इसलिए तो लिस्ट बॉक्स हम उस केस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब ज्यादा हो, कम हो तो हम कॉमो बॉक्स करते हैं। अब कोई ऑप्शंस हो, कई सारे ऑप्शंस हो और हम सारे ऑप्शंस को अलाउ करना चाहते हैं तो उस केस में हम ये लेते हैं, चेक बॉक्स लेते हैं। लेकिन जब भी आप चेक बॉक्स या आप यूज करते हैं ऑप्शन बटन तो आप ग्रुप का इस्तेमाल जरूर करें। ग्रुप का इस्तेमाल इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद अब मैं इस ग्रुप का नेम फ्रेम 1 से मैं कर देता हूं यहां पे कोर्स। तो मैं कई सारे कोर्स अलाउ कर सकता हूं मान लीजिए, तो मैं यहां पे कई सारे चेकबॉक्स दे सकता हूं। तो एक ग्रुप के अंदर में आएंगे तो एक अच्छा लगेगा। चेकबॉक्स अगर देते हैं तो रेडियो बटन में क्या होता है, दो ग्रुप बॉक्स को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। अब इसको हम यहाँ पे मान लीजिए कि दे देते हैं एक्सेल 2019। अब मान लीजिए मुझे एक और चेकबॉक्स चाहिए, चेक बॉक्स का यूज कब होता है, जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं और हम फ्रीडम करना चाहते हैं कि वो एक से ज्यादा चॉइसेस ले सकता है, देन हम यूज करते हैं चेक बॉक्स को। लेकिन रेडियो बटन का ऑप्शन बटन या रेडियो बटन इसको कह लीजिए, कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस में से कोई एक को यूज करना हो तो रेडियो बटन का इस्तेमाल करने से पहले आप इसमें ग्रुप लें तो ग्रुप में अच्छा होता है। और ग्रुप हमेशा लिया जाता है, जब इस्तेमाल करते हैं हम इसका तब तो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने ले दिया टाइप, और टाइप में जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया मंडे टू फ्राइडे, और एक और ऑप्शन बटन में यहाँ पे चूज कर देता हूँ। अब दूसरी चीज है कि अब इसमें इस जो ग्रुप है, ग्रुप बॉक्स है, उससे बाहर कोई टाइप करते हैं तो इन दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बता देता हूं आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको प्ले करता हूं, तो प्ले करने के बाद अब जैसे इसमें से दोनों में क्लिक किया तो दोनों में से एक ही क्लिक होता है, राइट। और मान लीजिए कि अगर मैंने इसमें कोई बाहर डिजाइन कर दिया तो बाहर भी हम डिजाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं ग्रुप बॉक्स, लेकिन फिर क्या होगा कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अब देखिए इसमें से किसी एक को कर सकते हैं और यहाँ इसको कर सकते हैं, दो ऑप्शन बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ जो आपके पास पॉपअप आते हैं तो देखिए यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है आपको, पेस्ट एक लंबा सा लाइन है, ये भी आपका ग्रुप बॉक्स है। ऐसे ऑपरेशंस लंबा लाइन है, ये भी आपका ग्रुप बॉक्स है। मतलब कि पेस्ट में से देखिए इसमें से किसी एक को ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से ऑपरेशंस में से किसी एक को कर सकते हैं, और आप जो है दो अलग अलग ग्रुप बॉक्स है तो आप पेस्ट में से भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो और ऑपरेशन में से भी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ग्रुप बॉक्स में लिया गया है। तो उसी तरह से दो ग्रुप्स के लिए आप यहाँ पे ग्रुप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये रेडियो बटन उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है तुल्लक बटन, ये ऑन ऑफ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि क्लिक करने पे ऑन ऑफ, या फिर जब वीडियो को आप प्ले करते थे प्ले और पॉज एक ही बटन होता है, क्लिक करने के बाद वो प्ले हो जाता है, वापस क्लिक करने पे वो पॉज हो जाता है,
उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कमांड बटन। ये जैसे कि आपका कोई भी बटन ओके कैंसिल इस तरह का कुछ बनाना है तो उस केस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे लिख दिया यहाँ पे सबमिट, और इसी तरह से मुझे एक और बटन चाहिए कमांड बटन, इसको हम लोग कमांड बटन कहते हैं कि फाइनली आपको क्या करना है, उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉमिट की। अब देखिए कि मैंने ये लिया लेकिन तीनों एक सीध में नहीं है, तो मैं शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करता हूं और इसी में फॉर्मेट आपको दिखता है। फॉर्मेट में जाता हूं, अलाइन में जाता हूं और फिर इसको लेफ्ट में क्लिक करता हूं, तो देखिए लेफ्ट से एक सीध में आ गया। उस तरह से इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको फॉर्मेट में अलाइन, अलाइन में क्लिक किया तो एक सीध में आ गया। उसके बाद दूसरी चीज है इसमें मेक ए सेम साइज, मतलब कि मैं इसकी विड्थ जो है हाइट जो है वो मैं सेम साइज करना चाहता हूँ। दोनों कर सकते हो, हाइट मतलब कि जिसकी जो चौड़ाई है मतलब कि ये ऊपर से नीचे की तरफ, उसको ये सेम साइज करना चाहता हूँ, तो क्लिक कर दिया तो सेम साइज हो गया। तो अलाइन फॉर्मेट में इस तरह से आप अलाइनमेंट में आप अलाइन कर सकते हो, मेक ए सेम साइज कर सकते हो, साइज फिट, साइज टू फिट अगर आपने कर दिया तो क्या होगा कि इसमें अगर कल के डेट में टेक्स्ट अगर बड़ा लिखेंगे तो अपने आप को बड़ा कर लेगा, छोटा लिखेंगे तो अपने आप को छोटा कर लेगा, उसके लिए होता है। तो जैसे ग्रुप वगैरह भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद कुछ बटन और, जैसे कि ये है आपका टैब स्क्रिप्ट, ये आपका है मल्टी पेज, ये आपका स्क्रॉल बार हो जाता है, ये आपका स्पाइन बटन, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, आपने डायनेमिक चार्ट में देखा ही होगा। कोई पिक्चर्स वगैरह अगर आप लाना चाहते हैं एक्सेल में, इस पे पिक्चर्स असाइन करना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स का इमेज का यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं रेडिफ कंट्रोल, मतलब कि अगर कोई रेफरेंस मतलब कि एक्सेल की जो रेफरेंस होती है ना, एरिया, एक कोई एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप रेडिट रेफरेंस को यूज कर सकते हो। तो इसे क्या हुआ, एक एरिया जैसे रन करने के बाद आप जो है एक यहां से एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें तो एरिया का एड्रेस इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहां से रेडिफ कंट्रोल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो है कुछ और चीजें है जो कि एक्सटर्नल है, वो राइट क्लिक करके आपको एडिशनल कंट्रोल में आता है। बट क्या है कि मेरे पीसी पे एडिशनल कंट्रोल नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरे पास जो है कुछ पैसेज जो है इसके, वो पैसेज नहीं है, इस कारण से नहीं चल रहा है। तो लेकिन और पैचेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास ऑफिस 2013 और 16 दोनों इंस्टॉल है, तो इस कारण से प्रॉब्लम होता है कि 13 में मैं लेता हूं तो 13 में आई थिंक आ जाता है। ये ओपन करके देखता हूं, नहीं इस पे भी नहीं आ रहा है। ये इसमें रेफरेंसेस में जो कोई पैचेज होता है, शायद वो पैचेज नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल करके आता है। उस कारण से होता है, तो मैं एक बार देख लूंगा, मैं इसको सही कर दूंगा फिर बताऊंगा मैं आपको। ये रहा, हाँ 2.8, ये इसी डेटा इसी में से कोई मिसिंग होगा, इस कारण से दिक्कत होता है। मैं एक बार सही कर लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा सर, मैं कल ही दिखाऊं। तो इसमें एडिशनल कंट्रोल में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा, इसमें तो ये तो जो दी गई है डिफॉल्ट दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कंट्रोल होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका ये सब एक्स्ट्रा कंट्रोल आपको दिख रहा है, ये सारे एक्स्ट्रा कंट्रोल
आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पीडीएफ वगैरह हो गया, ये सब चीज हो गई, उसको आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है उसका पैचेज आपके पास होना चाहिए, तभी ये हो पाता, अदरवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लेकिन वही बात है, इसमें जो सबसे जो मेन बात होती है वो होती है डिजाइनिंग की। इसको आप सही से अगर डिजाइन को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको यूजर फॉर्म समझ में आएगा। लेकिन यूजर फॉर्म जो आपका होता है वो बेसिकली इसी चीज के लिए बना होता है कि आप जो है पॉपअप वगैरह क्रिएट कर सके, या माइक्रो, बहुत सारे बड़े बड़े माइक्रो आपने लिखे हुए हैं, उस माइक्रो को कोलरेट कर सके ताकि वो इजिली वो आपका रन अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना करे, इजिली उसको आप अप्लाई कर सकते हो। राइट सर, तो आगे पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि सौरभ जी एंड बाकी लोग कि आप एक एक यूजर फॉर्म आप अपने एंड से मुझे डिजाइन करके भेजे, जिसका यूजर फॉर्म मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी यूजर फॉर्म के ऊपर मैं कोडिंग करके बताऊंगा कि, क्योंकि ये तो डिजाइन हो गई ना, अब ऐसा है कि सबमिट करने पे कैसे इसका डेटा जहां भेजना चाहते हो भेजे जाओगे, या फिर आईडी पे कैसे डालो नंबर ताकि डेटा जहां से आना है वो आ जाए, और बहुत सारे इसमें इवेंट जो है काफी ज्यादा मायने रखता है कि इवेंट कि मैं राइट क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए और क्या करूं, माउस कर्सर जाए तो क्या दिखना चाहिए, तो इसमें इवेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस इवेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है एक मैक्रो आप अपने एंड से बना के मुझे दे, ठीक है सॉरी एक यूजर फॉर्म डिजाइन करके आप अपने एंड से दे, ठीक है सौरभ जी? ठीक है सर, ठीक है, तो डिजाइन कीजिए, फिर मैं कल आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा इसकी इसकी कोडिंग के पार्ट के ऊपर। डिजाइनिंग पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसा डिजाइन करोगे वही आपको सामने दिखेगा, कोड थोड़ी दिखता है आपका, और जिस तरह का डिजाइन होगा कोड आपका उसी तरह का कोड परफॉर्म करेगा ना सर। ठीक है, मिलते हैं सर अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।